हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और बहुत मतलब मेरे को दो दिन हो गया है गांव आए, और ना यहाँ जो है बिल्कुल भी नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है, मतलब बहुत नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है। तो हम लोग आज जो है सोचा कि क्यों ना मार्केट जाया जाए। तो अभी बज रहे हैं 3 और बहुत धूप जोर की हो चुकी है। तो मेरी मैं गांव की फ्रेंड है जिससे मैं हमेशा व्हाट्सअप वगैरह पे बात करती थी, पर फाइनली मुझसे मिल चुकी है। आना, इधर से जाना है, मीट माई बहना सिया। तो अभी इसने बोला कि मैं उसको बताई कि हम लोग जा रहे हैं बाहर मार्केट। तो हमारे इधर का फेमस मार्केट कोइरीपुर, हैशटैग जो जो यूपी वाला होगा तो पक्का ही जानता होगा। तो हम मैं सोची मैं जा रही हूँ, तो मम्मी को कुछ काम था बैंक वगैरह का, और मेरे को खाना था स्पेशल टिकिया एंड चाट वहाँ का। और फिर इसने बोला कि ठीक है मुझे भी कुछ काम है, तो इसके मैंने बोला ठीक है चलो। गाइस, हमें रास्ता बिल्कुल भी मालूम नहीं है। हमारी मम्मी जो है हमें दूर से जो है इशारे कर कर के बता रही है रास्ता ऐसे चलो है, ऐसे चलो है। बाकी मेरे को बिल्कुल भी नहीं मालूम है। देखो कैसे जंगल हुआ सब जगह, देखो गाइस पूरा जंगल बना फिरा हुआ है गाइस। पर मज़ा आता है, ऐसा मुंबई में देखने को नहीं मिलता है सड़क वेड़ा के इधर, तो मज़ा आ रहा है। बस यही एक ही कमी है, यहाँ बहुत धूप है बस, बाकी सब एकदम शॉर्ट है। मज़ा आ रही है बहुत गाइस। मेरी बुआ और जो है पीछे वाली आंटी आ रही हैं, वो मेरी भौजी लगेंगी, मतलब मेरी भाभी लगेंगी। हम लोग उनको भौजी बोलते हैं। मम्मी इधर चलना है, उधर चलना है, ओके ओके। सो गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं इसकी सड़ी सी शक्ल लेकर, पता नहीं कैसी बनाई फिरी हुई है, देखो। सो गाइस, हम लोग अभी बैंक में जा रहे हैं। गाइस, हम लोग अभी मार्केट में आ चुके हैं, और अभी मम्मी जो है गई है बैंक में, उनको कुछ काम है। और इसको जो है एक कपड़े लाया है, तो वो हम लोग को चेंज करना था, तो जा रहे अभी हम लोग दुकान पे चेंज करने। सो गाइस, ये बहुत दुखी है, कृपया कर इसे, अभी तक ये अपने उस क्या बोलते हैं उसके उसमें से बाहर नहीं निकल पाई है। उसके किस्में से बाहर नहीं निकल। देखो गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं है, डोंट वरी। मैं थोड़ा परेशान जरूर हूँ, लेकिन लाइफ में सबकी प्रॉब्लम आती है, तो शॉर्ट आउट हो जाती है, तो डोंट वरी। हाँ, ज़्यादा चिंता मतलब मेरे का प्रॉब्लम है वो ठीक है, लेकिन आप ज़्यादा परेशान मत हो। नहीं गाइस, दुकान पीछे थी, गाइस परेशान नहीं हो रही है सब लोग। हम लोग शॉप पे आ चुके हैं, और अभी ये जो है चेंज करने वाली है कपड़ों को। सो गाइस, हम लोग ने जो है कपड़े चेंज कर लिए आफ्टर ऑल, और अभी हम लोग जा रहे हैं पानी लेने, क्योंकि हम लोग को बहुत तेज लगी है प्यास, क्योंकि बहुत धूप है। यहाँ बज रहे हैं 3:30 अभी, और गांव का 3:30। यू सी गाइस, यहाँ का मार्केट भैया मैं कहाँ आए थे अभी पानी पीने, और हम लोग का पानी पीने का भी कार्यक्रम खत्म हुआ, क्योंकि इसके भाई के दुकान पर उन्होंने पानी पी लिया। भाई भाई मत बोलो यार, सो गया दोस्त भाई। गाइस, ये देखो गांव का मार्केट। किसी को शादी वादी के लिए सामान लेना है तो गाइस यहाँ से आके ले सकते हैं आप। गाइस हैशटैग मिठाई, ठंड में तुम शादी करा रही हो। गाइस यू कैन सी चप्पल एंड ऑल। गाइस बताशे बताशे, गाइस गांव का फेमस मिठाई हैशटैग शुद्ध देसी घी। गाइस अभी हम लोग आए हैं एक शॉप पे चार्जर लेने के लिए, और एक मस्त मस्त कवर। गाइस अगर आप कोइरीपुर आ रहे तो श्री मोबाइल्स वाले शॉप पर आके जरूर जाइए, यहाँ बहुत अच्छे अच्छे कवर्स, मोबाइल के चार्जर्स, और बहुत सारे अच्छे अच्छे आपको मोबाइल्स और ये क्या बोलते हैं उसको ईयरफोन्स वगैरह आपको मिल जाएंगे अच्छे से सस्ते दाम में। तो आइए गाइस। गाइस हमारा यहाँ का भी काम हो चुका है, हमने कपड़े भी ले चुके हैं, और अब हम लोग को खाना है चिकिया एंड चाट। तो हम लोग जा रहे हैं मम्मी के पास वहाँ बैंक में, सोच रहे कि उनका काम हुआ रहेगा कि नहीं हुआ रहेगा, वो देखने के बाद हम लोग जाएंगे खाने। अब इतना दूर आए मार्केट और पेट पूजा नहीं हुआ तो क्या हुआ, है ना गाइस, है ना मैडम, है ना मैडम। मैडम भी स्पेशली इसके लिए आई है खाने के लिए। सो गाइस उसको कुछ बोलना है, ये बोल रही थी मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, मुझे भूख भी लग रही है, लेकिन मुझे इतना टेंशन है कि मेरे को खाने का दिल भी नहीं कर रहा। तो आप लोग मुझे जरूर बताएं मुझे खाना चाहिए, ये
भूखे रहना चाहिए एक आध महीना। नहीं गाइज, मैं इसको बोल रही हूँ चल थोड़ा टाइम पास कर खा लेते हैं, देखा जाएगा, पेट पूजा बाद में काम दूजा, दूसरा काम बाद में करेंगे, पहले इतना टेंशन मेरे को क्या, कुछ भी खाने का मन नहीं हो रहा। गाइज मेरे को देखो इसके आंखों की नीचे डार्क सर्कल दिख रही है, मेरे आंखों की नीचे डार्क सर्कल दिख रही है, टेंशन जो हम लोगों को ज़्यादा दिखी ना एकदम। हाँ गाइज क्या बोलने का, थोड़ा यार आप लोग ना सपोर्ट करना मेरे को, और कुछ नहीं बोलना मुझे, इतना ही बोल रहा था, बोलना को थोड़ा बाद में बोलूँगी। आई अभी मस्कारा लेने थोड़ा शॉप करने के लिए ब्यूटीज का, यार को नेल पेंट है बहुत अच्छे अच्छे, और अभी लेने आए मस्कारा। सो गाइस हम लोग को मस्कारा का क्वालिटी अच्छा नहीं लगा, और यहाँ बस मतलब वो गंदा वाला छोटा वाला दे रहे थे, तो उनका कोई क्वालिटी वगैरह नहीं था, कोई ब्रांड नहीं था, तो जब हमको पैसा देना ही है तो हम शुगर का क्यों ना ले लें, हम लोग ब्रांडेड ले लेते ना, इसलिए हम लोगों ने वो नहीं लिया। और अभी हम लोग आ गए हैं बैंक, गाइस हम लोग जा रहे हैं अंदर। गाइस अगर आप मार्केट आए हो तो निरंजन बेस्ट केक शॉप है, केक कॉर्नर है, और यहाँ चाट और क्या बोलते हैं उसे टिकिया और सब कुछ बहुत अच्छा मिलता है। हाँ सब कुछ बहुत मिलता है अच्छा, क्योंकि यहाँ मुंबई से स्पेशलिस्ट गए हैं इनके यहाँ बहुत, मतलब मैं इतना दूर से सिर्फ इनके यहाँ खाने आई हूँ। गाइस आप देख सकते हो यहाँ अभी पैटिस बन रहा हुआ है, और हमारी टिकिया जो है अंदर जो है गर्म हो रहा है। गाइस देखो हम लोग ने देखो चाट ले लिया, हमारे यहाँ का बहुत पुराना हमारा जो है ये ज्वेलरी शॉप है, तो ये हमारा ज्वेलरी शॉप है, यहाँ हम ज्वेलरी लेने आते हैं। हमारे जो है घर का जो है पूरे ज्वेलरी बचपन से लेके यहीं बने हुए हैं सारे, मतलब गांव के सारे ज्वेलरी जो है यहीं से बनते हैं। सो गाइस मैं सोच रही थी कि मैं अंगूठी लूँ मेरे लिए, तो मेरे को कोई भी साइज़ नहीं हो रही थी, तो मेरे को वो ही ये वाली साइज़ तो मुझे बहुत पसंद आई है, ये लव करके, और ये हार्ट शेप पे जो पर्पल में उसने डिटेलिंग की गई है मुझे बहुत अच्छी लग रही है, मैं यही वाला लेने वाली हूँ। सो गाइस इसने चूज़ किया है, यही इसने चूज़ किया है, मैं इसको बोल रही थी थैंक यू प्लीज़, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बिल्कुल भी इसका साइज़ नहीं था, और इसने पूरा जुगाड़ मार के मेरी साइज़ निकाली हुई है एकदम। सो गाइस मैं बहुत खुश हूँ मैंने ये अंगूठी लेके, बहुत जुगाड़ू इंसान है ये, बहुत काम अच्छा कर दी मेरा एकदम मस्त, देखो एकदम मस्त लग रही है एकदम, ये एकदम वो अच्छी लग रही है, प्यारा सा लव लिखा हुआ है इसके ऊपर, देखो गाइस मैं दिखाती हूँ बैक कैमरे से, मस्त लग रहा है ना एकदम। एक्चुअली में ये एक्चुअली में प्यास को समझ सकती क्यों ना हम लोग पी ले, मैंगो जूस सॉरी गाइस मैंगो जूस स्पेशल वाला। गाइस लगी थी हम लोग को प्यास, इसलिए हम पी रहे हैं ठंडा हम लोग का सारा सामान वगैरह हम लोग ने ले लिया है, और फाइनली अब हम लोग घर जा रहे हैं, बहुत थक गए हम लोग है ना, थक गई हूँ मैं, सर दर्द हो रहा है, हाँ सर दर्द हो रहा है हमारे आँख, अब ऐसा लग रहा है कि अब मैं सो जाऊँ तो बहुत अच्छी नींद आ जाएगी मुझे। गाइस तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं घर, और थक गए हैं बहुत बता कुछ सिया क्या बताऊँ, जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है, हमारे यहाँ की फेमस कहानी ये मेरे को पूरे रास्ते पकाते हुए आई है, और अभी हम लोग रोड पे पहुँच गए हैं, इधर की शादी उधर की शादी, इधर का भैया उधर की बहन पूरे गांव का कहानी बस मेरे ज़िंदगी में कुछ सुनाने लायक नहीं था ना, इसीलिए मैंने दूसरों का भी सुना दिया। हाँ चलो किसी का तो सुनाने लायक बचा हुआ है, अरे मेरे घर में बहुत बड़े बड़े भगवान का, नेक्स्ट टाइम मैं आऊँ तो तुझ लेके आओ सुना लेके आना सुनाने के लिए, क्या पता मैं ना रहूँ नेक्स्ट टाइम आओ तो। हाँ शायद पता नहीं अब मैं नेक्स्ट टाइम कब आऊँगी, मेरा ही भरोसा क्या पता मैं भगवान को प्यारी हो जाऊँ, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, शुभ शुभ बोलो, शुभ क्यों बोलती हो। यहाँ रोड देखो, अब तक हम लोग मुंबई में होते तो यहाँ के बच्चे लोग क्रिकेट खेलना शुरू कर दिए होते, और यहाँ देखो यहाँ देखो कैसे पूरा सब, अरे यार दोपहर में कौन सूखा पड़ा हुआ, अरे वहाँ दो दोपहर हम एक बजे खेलते एक से लेके पाँच बजे तक, इतने धूप में खेलते हैं बाबा मैं डर जाती हूँ उन लोगों को देख के, कूदते रहते साले सब के सब लड़के लोग, बाबा रे बाबा। नहीं भाई इधर तो धूप में कोई नहीं खेलने वाला है, उधर बाबा धूप में भी तो 10 बजे निकलेगी तो खेलते रहेंगे, 11 बजे निकलेगी तो खेलेंगे, 12 बजे निकलेगी तो खेलेंगे, 13 बजे निकलेगी तो भी खेलेंगे लोग, नहीं उधर जो है ना गर्मी भी तो कम होती है, अरे बहुत धूप होती है बहन दोपहर में निकल के तो देख बहुत धूप। सिया इस पेड़ को देख के कुछ कमेंट करना चाहती है, बोलना चाहती है, बोल सिया। एक्चुअली मेरी जो लाइफ है ना वो इस पेड़ के जैसी हो गई है, बस यही बताना चाहती थी, सूखा सूखा रुका रुका, बट ये पेड़ देखो सूखा पेड़ भी कितना सुंदर लग रहा है, इसको ये नहीं पता, देखो गाइस है ना गाइस सुंदर तो है, बारिश में
थोड़ा हरा भरा भी हो जाएगा। घर पे आ चुकी हूँ और मैं बना रही हूँ अभी चाय। सो चाय बना रही हूँ मैं। मम्मी ने बोला कि थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा तो इसके लिए तू चाय बना दे। मैंने बोला मम्मी को तू मत बना चाय, मैं बना देती हूँ, तो मेरे को तू चिल्लाने लगेगी। देखो मेरे बच्चे को प्यास लगी थी। सबको हाय करो। आरुष हाय करो, सबको करो, ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, पी रहे हो पानी इसलिए ना। हाय करो सबको, ऐसे ऐसे करो। हाँ गाइस, मैं अपनी भाभी के घर पे आई हूँ। वो अभी अपने किचन में जो है टाइम पास करनी है बैठे बैठे, और भैया जो है यहाँ बाहर पढ़ाई कर रहे हैं, तो भाभी उनके ऊपर बाहर अंदर से नज़र रखी हुई है ना भाभी? बिल्कुल ना नहीं। तो देखो मेरे बच्चे को, ये मेरा सबसे प्यारा भतीजा भांजा है मेरा, है ना बाबू? है ना, है ना, बिल्कुल मेरे पे।